हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ एक खूबसूरत सिटी पेलिंग जो है वेस्ट सिक्किम में। तो क्या आप रेडी हो पेलिंग के सफ़र के लिए? तो ये है मेरा पेलिंग में होटल जहाँ मैंने टू नाइट स्टे करने वाला हूँ एंड इसकी प्राइस है 1000 पर नाइट एंड विदाउट मील। तो ये आपको MMT पे मिल जाएगा जो है अपर पेलिंग में। एंड अगर आप 3-स्टार प्रॉपर्टी विद फूड चाहते हो तो ये दोनों होटल मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया है, तो आप वो व्लॉग देख सकते हो। तो मैं मेरे होटल से गेस्ट के होटल में आ गया हूँ एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकल रहे साइट सीइंग करने। एंड आज का फर्स्ट प्लेस पेलिंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है जो है चेन्नरीजिक स्टैचू एंड ग्लास स्काईवॉक। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एंट्री फीस है 100 रुपीज पर हेड। तो अभी इंडिया के फर्स्ट ग्लास स्काईवॉक पे जो है पेलिंग में, मेरे सामने है 137 फीट टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ चेन्नरीजिक एंड ये ग्लास स्काईवॉक, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये प्लेस सबको जरूर विजिट करनी चाहिए। मोस्ट पीसफुल एंड स्पेक्टेकुलर व्यूज यहाँ से आपको देखने मिलेंगे। पीछे है वो ग्लास स्काईवॉक और यहाँ पे है स्टैचू। तो उधर अंदर एक बीच में स्टैचू है जो ऐसे बाद में सराउंडिंग ऐसे ऊपर चलने को आने को है, फिर ऊपर आके ये कुछ है। ऊपर आने के बाद अंदर वीडियो और फोटोशूट कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का कुछ शो नहीं कर सकते। और बाकी आप व्यू देखो, आज पूरा क्लाउडी है तो हिल्स थोड़े दिख नहीं रहे कुछ भी, बाकी तो भी बहुत ज्यादा सुंदर हो रही है। सेकेंड प्लेस जो है ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ सिक्किम, संगक चोलिन मॉनेस्ट्री, जो स्काईवॉक से बस 500 से 800 मीटर पे ही है। तो यहाँ पे भी जरूर विजिट करना क्योंकि यहाँ के व्यूज एंड मॉनेस्ट्री के अंदर के आर्किटेक्चर एंड स्टैचू बहुत सुंदर है। वीडियो शूट अलाउ नहीं है एंड बाहर भी स्तूपा एंड पीस बहुत अच्छा महसूस होगा ये प्लेस पे। बाकी फुल डिटेल्स के लिए आप वीडियो थोड़ा पॉज करके ये पढ़ भी सकते हो। इसके पास में रोपवे का काम चालू है, वो भी कुछ मंथ्स में ओपन हो जाएगा, तो शायद अपर पेलिंग से डायरेक्ट यहाँ पे रोपवे से आ पाओगे। अभी हम जा रहे आज की थर्ड प्लेस एंड जो सिक्किम की ओल्डेस्ट एंड इम्पोर्टेंट मॉनेस्ट्री है जो 17th सेंचुरी में फाउंड हुई थी, पेमा यंगसी मॉनेस्ट्री। इस मॉनेस्ट्री में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर सिक्किम का पता चलेगा। मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत सारी डिफरेंट बुद्धा की स्टैचू है एंड ये कॉपर कलर पैराडाइज, ये बहुत सुंदर एंड अलग ही कुछ देखा मैंने। फिर उसके बाद थोड़ा हम मॉनेस्ट्री के आसपास भी घूमे, वहाँ मॉन्क्स के घर देखे एंड और एक बंद मॉनेस्ट्री भी देखी। आज का फोर्थ प्लेस है सिडक्योंग तुल्कु बर्ड पार्क। अगर मैं कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ
तो प्लीज इग्नोर। एंड यहाँ पे एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। पार्क में 19 पॉइंट्स है जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, एंड यहाँ आओगे तो मैप्स में आपको गाइड कर देंगे। जैसे एंट्री किया ये बर्ड पार्क आपको दिख रहा होगा कुछ अलग बने हैं, एंड यहाँ पे मुझे एक एक्सटेंशन ब्रिज भी दिखा। एंड वाओ, यहाँ पे अच्छी प्लेसेस भी है फोटो निकालने के लिए, तो आप ये बर्ड पार्क में बोर तो नहीं होगे, तो मस्ट विजिट। रिटर्न जाते वक्त देखा कि बर्ड पार्क एंटर करते वक्त दो रास्ते, एक जाता है राबदन सी रुइंस एंड सेकेंड वाला बर्ड पार्क। ये प्लेस सेकेंड कैपिटल है सिक्किम के फॉर्मल किंगडम की। वहां पहुंचने आपको 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा जंगल ट्रिक करना होगा। एंड यहाँ आते ही हमें पैलेस जैसे स्ट्रक्चर दिखे एंड कुछ स्तूपास एंड बाकी पीस एंड भरपूर व्यूज एंड सिक्किम की हिस्ट्री। बाकी यहाँ से कंचनजुंगा का पैनोरामिक व्यू भी दिखेगा, बट आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है इसलिए नहीं देख पाए। यहाँ आप और खिचीपिरी लेक एंड एक्सटेंशन ब्रिज है वो भी जा सकते हो। थोड़ा वेदर खराब होना स्टार्ट हो गया था तो हम रिटर्न होटल आ गए क्योंकि बहुत हेवी बारिश हो रही थी। और ये पीछे देख सकते हो अब डॉग, ये मेरे साथ ही आ रहा है। और पीछे होटल था, वहाँ से भी पूरा मेरा जहाँ तक होटल है वहाँ तक लगता है साथ में चलेगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग नहीं देखे होंगे तो देख लेना, एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग जिसमें हम दार्जिलिंग जाएंगे, तब तक लेट्स एक्सप्लोर।